नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। दिल्ली में कुछ आतंकियों के गिरफ्तारी के बाद बिहार के कई जिलों को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है क्योंकि इसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर का भी नाम शामिल है। लेकिन मुजफ्फरपुर में अब चेकिंग चल रही है। जी हाँ, दिल्ली में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब बिहार में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आरपीएफ की ओर से जारी किए गए अलर्ट के बाद बिहार के 13 जिलों को पूरी तरीके से चौकस कर दिया है। रेल पुलिस जिला को भी सतर्क कर दिया गया है। संबंधित रेल स्टेशनों पर समेत भीड़ भाड़ इलाकों में जांच तेज कर दी गई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन में मंगलवार को जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान यात्रियों के सामान की भी जांच की गई। वहीं इस दौरान ट्रेन में डॉग स्क्वाड के माध्यम से जांच की गई। हालांकि इस दौरान कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ, लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा क्योंकि विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बीते दिनों जिस तरीके से सूचना मिली थी उसके बाद से ये तैयारी की गई, लेकिन इस पूरे मामले पर जो अधिकारी है वो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। दिल्ली में दो संदिग्ध व्यक्ति पकड़ाया था, उसी के आधार पर हम लोग को निर्देश मिला था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग जाँच चला रहे हैं। उत्तर बिहार में कई जगहों को निर्देश दिया गया है? हाँ, सभी जगह निर्देश मिला। उसमें जीआरपी मुजफ्फरपुर को निर्देश मिला था, जिसके आलोक में हम लोग डॉग स्क्वाड और अपने टीम से सभी संदिग्ध वस्तुओं की जांच करवा रहे हैं। नेपाल से सटे होने को लेकर के? हाँ, उसे भी है, इस कारण भी हम लोग कर रहे हैं। वैसा कोई संदिग्ध मिलता तो उस कार्रवाई भी करेंगे। अभी कहाँ कहाँ चेकिंग हुई है? अभी पूरा प्लेटफॉर्म पर हम लोग चेकिंग किए हैं और आने वाली ट्रेन में भी हम लोग करेंगे। कितनी अलर्ट है इस संदेश को लेकर? हम लोग पूरे अलर्ट मोड में हैं और 24 आवर हम लोग चेकिंग करवा रहे हैं। तो आपने सुना कि उनका क्या कुछ कहना है। आपको बता दें कि जो जांच चल रही थी उस दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ, लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा क्योंकि विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बीते दिनों समस्तीपुर आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त ने अलर्ट को लेकर समस्तीपुर समेत दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, मधुबनी, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिले के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा था, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बढ़ा दी गई थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से आप तस्वीरें अभी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो डॉग है वो लोगों के जो सामान है, यात्रियों के जो सामान है उसकी जाँच कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। खासकर जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी उनके साथ मौजूद है और सभी चीजों की छानबीन की जा रही है। चाहे बात हम प्लेटफॉर्म की करें, हम बात अभी मुजफ्फरपुर की कर रहे हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो भी मुजफ्फरपुर से आई है। मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हैं, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की, जहां पर प्लेटफॉर्म पे भी सघन जांच की जा रही है और साथ ही साथ ट्रेनों में भी ये प्रक्रिया को चालू रखी गई है। और अधिकारियों का कहना है कि अभी रुकने नहीं वाली, बल्कि लगातार इस तरीके से जांच होती रहेगी। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।